गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या दिया बेटा? 0.1 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0.15। आप 15 नहीं बोलोगे, 15 बोलोगे, राइट? कैसे रीड करते हैं? 0.15 इंटू टी माइनस 4। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? रिमूव डेसिमल। ठीक है, डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 1/10 टी माइनस 3 इज इक्वल टू 15/100 इंटू टी माइनस 4। अब क्या कर सकते हैं? 10 से 10 कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि इक्वल के साइन है और इक्वल के लेफ्ट राइट में अगर सेम नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करती हूँ तो ये 100 ऊपर जाएगा, 10 नीचे रहेगा, 0 से 0 तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए करना। तो यहाँ पे क्या रहा भाई? और मैं इसको साथ साथ कट भी करती हूँ। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। इट मीन्स क्या है आपके पास? टी माइनस 3 इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी माइनस 4, राइट? आपके पास इस तरह से आया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डिनोमिनेटर है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डू क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 2 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू टी माइनस 4। सोल्व करेंगे, 2t माइनस 2 3 जा 6, 3t 3 4 जा 12। ठीक है, अब वेरिएबल वाले वन साइड में करेंगे और विदाउट वेरिएबल वाले वन साइड में। तो मैं 3t को इसके प्लेस पे रखती हूँ और 2t को राइट में लेके आती हूँ, तो माइनस हो जाएगा। लेफ्ट में प्लस है, राइट में माइनस हो जाएगा। अब माइनस 6 अपने प्लेस पे है, -12 को लेफ्ट में लेके आऊँगी तो प्लस हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास क्या रहा? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 3t माइनस 2t, दैट इज t। इट मीन्स योर आंसर इज t इज इक्वल टू 6। ओके,